फ्रेंड्स, ये मेरे पापा के घर का मंदिर है। ये का मतलब बाहर काली माता के मंदिर के बाहर भैरव बाबा का मंदिर है, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए आप। और अभी आप काली माता के दर्शन करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना काली माता का मेरे पापा का घर का मंदिर है, तो देखिए आप। ये देखिए माता जी का रूप इतना अति सुंदर है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि में तो माता जी का रूप अनोखा बदलती ही रहती है और बहुत सुंदर दिखती है। तो फ्रेंड्स, तो आपने कर लिए दर्शन। तो ये है मेरे पापा का मतलब घर का मंदिर और मेरे भैया ने बनवाया है घर के बाहर ही, और हमारा मतलब खुद का ही ये मंदिर है। और मतलब जितने भी लोग यहाँ पर मान करते हैं ना, सबकी मान पूरी होती है और काली माता सब पे बहुत कृपा बनाती हैं। और मेरे भैया भाभी बहुत सेवा करते हैं इनकी, और नवरात्रि में तो ऐसा लगता है जैसे मानो कि मतलब इतनी धूमधाम रहती है ना यहाँ पर। और मतलब नवरात्रि का जो छोटे नवरात्रि आते हैं जब, तो है ना भाभी भैया पंडित लगाते हैं और अभी भाभी खुद उनकी सेवा करती है और बहुत ज़्यादा ही सेवा कर। इतना सारा बॉन्ड लगा हुआ है, निकल नहीं रहा है हाथ। चिपक गया। ये है ना बहुत शरारती है अय्यू। अय्यू महाराज है और बहुत ही शरारती बच्चा है। कितना शरारती हो, कितना छोटा सा क्यूट सा बच्चा है ये। तो फ्रेंड्स, इनकी इतनी मस्ती चल रही है अभी कि बस पूरा घर यहाँ से वहाँ तक का आप देखोगे ना तो पूरा फैला दिया है। यहाँ पर बिस्तर भी यहाँ रखा है ना, तो बिस्तर पे भी चढ़ चढ़ के कूद रहे हैं और इतनी मस्ती कर रहे हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ऊपर गई हूँ और देखा आके तो पूरा फैला दिया। अभी खेल रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो खेल रहे तो 2 मिनट के लिए मैं ऊपर चली जाऊँ, तो बस सारा फैला दिया, इतना सारा गंदगी कर दी। और ये आयु के बच्चे नहीं, ये हैं, ये देख लीजिए इसे गौ से कितना शैतान बच्चा है। और हमारे सोनी का तो आपने देख रखा है, एक चुपचाप सी बच्ची है मेरी प्यारी सी। आयु किससे बात कर रहा है? रजत से बात कर रहा है। आप घर कौन साफ करेगा? कौन साफ करेगा घर? तो शरारत कर ली, मस्ती कर ली, सब कुछ कर लिया और नाम लगा दिया बड़ी मम्मी पे कि कर लो अब। चले फ्रेंड्स, तो यहाँ सब करके और फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे मतलब बोलना चाहती हूँ कि मतलब है ना मेरे एक सब्सक्राइबर हैं दीदी, निशा दीदी, तो उनने मुझसे मेरा नाम पूछा था कि मेरा नाम क्या है। तो मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरा नाम रचना है। फिर मुझे ऐसा लगा कि बहुत से सब्सक्राइबरों को मेरा नाम नहीं पता होगा, क्योंकि है ना मेरा चैनल है जो सोनी रियल ब्लॉग मतलब मेरी बेटी के नाम से है। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको अपना नाम बता ही देती हूँ। तो मेरा नाम है रचना और सोनी मेरी बेटी है और मेरा चैनल मेरी बेटी के नाम से है। तो बस फ्रेंड्स, तो मुझे यही आपको बताना था, तो बने रहिए मेरे वीडियो में।
शाम की यहाँ पर दिया बत्ती हो गई है, और जिस भी घर में दिया बत्ती होती है तो वहाँ का मतलब माता का मंदिर कितना प्यारा लगता है। तो अभी मम्मी है ना दिया बत्ती बस करके ही यहाँ से गए थे, तो बहुत ही मतलब है ना घर में है ना जैसे दिया बत्ती हो जाती है शाम के टाइम तो एक अलग ही आप देखते होंगे कि एक अलग ही रौनक आ जाती है घर में। और यहाँ पर है ना मैं बर्तन मांज रही हूँ, और फ्रेंड्स आज मैं मॉर्निंग में तो नहीं मतलब व्लॉग स्टार्ट करी हूँ, और मैं है ना आज है ना नाइट में ही स्टार्ट करा है। तो आज है ना मेरा मन नहीं था व्लॉग बनाने का, तो सुबह से तो मैंने नहीं बनाया, कल ही बनाया था। मतलब ये आपको जो व्लॉग मिलेगा ना ये आपको कल मिलेगा, क्योंकि ये मैं आज बना रही हूँ, ये कल मैं अपलोड करूँगी। तो मेरा मन नहीं था व्लॉग बनाने का, फिर मैंने बोला शाम को कि है ना चलो अभी स्टार्ट कर लेते, क्योंकि है ना फिर मैं सुबह से स्टार्ट करती हूँ ना तो मुझे 6 से 7 बजे तक का फिर मुझे अपलोड करना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो को आज नाइट का ही बनाती हूँ, तो जो नाइट में मेरी रूटीन रहती है तो वही मैं मतलब कर रही हूँ। मतलब ये सब तो सुबह शाम का होता ही है कि मतलब दिन भर में तो जाने कितनी बार बर्तन भी मसते हैं। तो मैंने आज बनाया है रायता रोटी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, और दाल चावल बनाए हुए। तो फ्रेंड्स नीचे का हो चुका है सारा काम, और अब बज रहा है रात का 10:30 और मेरा सारा काम हो गया है, और बस अब सोना ही बाकी है। तो यहाँ पर भी सारा मतलब क्लीन कर दिया है सोने के लिए, तो नाइट तो डॉट लगा के टीवी देखती हैं, मतलब आप देखेंगे ना तो ये देखिए कार्टून देखती है वो। तो बस रात में उसका काम है रोज का कार्टून देखना। और चलिए फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे करूँगी एंड। तो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो तब तक के लिए बाय बाय।